हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। कैलकुलस में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1, उसके मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो उसकी मैं आपको PDF बना के और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे NF डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, सम स्टैंडर्ड रूल्स फॉर NF डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड रूल्स मीन्स आपको यहाँ पे ऐसे NF डेरिवेटिव डिराइव करना भी आ सकता है एग्जाम में, कि x रेज टू पावर m का आप NF डेरिवेटिव यहाँ पे निकालिए, ठीक है। या फिर इस टाइप से आपको ये फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करना है। फर्स्ट दे रखा टू फाइंड द NF डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर m, लेट इसको हम ले लेते हैं y इक्वल टू x रेज टू पावर m। हमें चाहिए NF डेरिवेटिव, देन हम पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू सॉन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव m into x raise to power m minus 1, second derivative m into m minus 1 x raise to power m minus 2, third derivative करते हैं m into m minus 1 m minus 2 x raise to power m minus 3, up to so on। हमें find out करना है nth means yn, nth derivative m into m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू सॉन। अब ये देखेंगे हमारे पास फैक्टर कहाँ तक आने चाहिए। देखिए जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है मीन्स m, m को हम क्या लिख सकते हैं m माइनस 0, m को आप लिख सकते हो m माइनस 0 इक्वल। सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं m इंटू m माइनस 1, यानी मैंने सेकेंड डेरिवेटिव किया एंड फैक्टर कहाँ तक जा रहा है, एम में से हमने 1 माइनस किया, डेरिवेटिव सेकंड है बट एम में से इससे एक कम लेस करना है। थर्ड डेरिवेटिव किया, फैक्टर 3 आ रहे हैं बट एम माइनस 2 तक, एम माइनस 3 नहीं आ रहा, अंडरस्टैंड। देन यहाँ से हम सिमेट्री बनाएंगे कि थर्ड डेरिवेटिव किया तो एम माइनस 2 तक जा रहा है हमारा, तो एन एफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम एम माइनस 1 एम माइनस 2 अप टू सॉन एम माइनस एन में से एक कम कर देंगे एन माइनस 1, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव किया तो m में से हमने पहले m फिर m माइनस 1 m माइनस 2, ओके। यानी थर्ड डेरिवेटिव में 2 माइनस कर रहे हैं, टू डेरिवेटिव में 1 माइनस कर रहे हैं, तो nth डेरिवेटिव में m में से n में से एक कम मीन्स n माइनस 1 माइनस करेंगे, ओके। इंटू x रेज टू पावर थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x की पावर m माइनस 3 आ रही है, सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x की पावर m माइनस 2 आ रही है, ठीक है। तो nth करेंगे तो क्या आ जाएगा एम माइनस एन एथ डेरिवेटिव, ठीक है। इफ़ जो एम हमने लिया है, इफ़ एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ़ एम इक्वल टू एन, अगर हम दोनों को इक्वल ले लेते हैं देन एन एथ डेरिवेटिव क्या आएगा। देखिए हमने क्या रखा है यहाँ पे, एन को हमने एम ले लिया है, देन एम वाई एम इक्वल टू एम इन टू एम माइनस 1 एम माइनस 2 अप टू सॉन एम माइनस 1 लास्ट वाला फैक्टर एंड एक्स रेज टू पावर एम माइनस एम, एन के प्लेस पे मैंने एम पुट कर दिया, समझ गए। देन वाई एम इज इक्वल टू एम इन टू एम माइनस 1 एम माइनस 2 अप टू सॉन एम माइनस एम प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एम माइनस एम प्लस 1 हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 0। नाउ एम एम में से 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, दैट मीन्स दीज आर द कंजक्टिव इंटीजर्स, ठीक है। हमने एम को लिया है पॉजिटिव इंटीजर और इसमें से हमने पहले एम 1 माइनस किया, फिर 2, फिर 3 अप टू सॉन एंड कहाँ तक जा रहे हैं 1 तक, देन दैट मीन्स दिस बिकम्स एज एम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब इसमें से हम एक एक माइनस करते जाएंगे, कंजक्टिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई होती है एंड एंडिंग हमारा 1 होना चाहिए, ओके। एक्स रेज टू पावर 0 इज 1, देन एम एफ डेरिवेटिव आ जाएगा एम फैक्टोरियल। दैट मीन्स अगर आपके पास एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स रेज टू पावर एम, देन एम एफ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, जो भी पावर होगी उसका जो हो फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज फाइंड द एन एफ डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे x का मल्टीपल 1 है एंड यहाँ पे x का मल्टीपल a है,
एंड प्लस बी हमने कोई कॉन्स्टेंट ऐड किया है, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, एम पावर आगे आ जाएगी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस वन इंटू, जब हम बेस का डेरिवेटिव करेंगे देन ए आ जाएगा, ठीक है। वाई टू इज एम इंटू एम माइनस वन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस टू इंटू ए, ऑलरेडी था एक फिर से डेरिवेटिव किया हमने ए स्क्वायर। वाई थ्री इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस थ्री इंटू ए क्यूब। अब तो सॉन चलते जाएंगे, हम करेंगे एनर डेरिवेटिव, वाई एन करते हैं, देन एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू सॉन, वही फिर दोबारा से ऐसे ही आ गया। थर्ड डेरिवेटिव किया हमने एम में से टू माइनस किया, दैट मीन्स एम माइनस एन माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस थ्री, थर्ड डेरिवेटिव में आ रहा है, एन एस में ये आ जाएगा एम माइनस एन एंड ए रेज टू पावर एन क्यूब। जब हम थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं ए क्यूब आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो एनथ करेंगे तो ए रेज टू पावर एन आ जाएगा, ओके। देन फिर से टेकिंग एन एम इक्वल टू एन, एन को हम रखेंगे एम, देन वाई एम इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू सॉन, यहाँ पे अगर आप एम पुट करते हैं तो एम से एम कैंसिल और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा वन, एंड ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस एम इंटू ए की पावर एम। जहाँ जहाँ पे भी एन था हमने वहाँ पे एम को रिप्लेस कर दिया, एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू सॉन वन तक जा रहा है, दैट मीन्स एम फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एम मीन्स जीरो, वन हो जाएगा इंटू ए रेज टू पावर एम। नेक्स्ट इज टू फाइंड द एनर डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका आपको एनर डेरिवेटिव निकालना है। लेट वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस वन, फर्स्ट डेरिवेटिव करिए इसका, वाई वन इज माइनस वन पावर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस टू, एंड बेस का करेंगे देन ए। वाई टू निकालते हैं, माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव करते हैं, इनको आपको सॉल्व नहीं करना एज इट इज़ रखना है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री पावर आगे आ जाएगी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस फोर इंटू ए क्यूब, बेस का करेंगे ए स्क्वायर ऑलरेडी था ए के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अप टू सॉन हम करते हैं एन डेरिवेटिव वाई एन। अब यहाँ पे देखिए जब हम थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं माइनस माइनस एंड माइनस थ्री टाइम आ रहा है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस वन रेज टू पावर एन, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे इन तीनों फैक्टर्स को लिख सकती हूँ माइनस वन की क्यूब इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री, लिख सकते हैं इनको, ठीक है। माइनस माइनस एंड माइनस, माइनस वन की क्यूब वन इंटू टू इंटू थ्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ अ थ्री फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे देखे तो माइनस वन की पावर टू एंड वन इंटू टू इज टू फैक्टोरियल, ओके। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू वाई थ्री किया तो थ्री फैक्टोरियल आ रहा है, एनथ करेंगे देन एन फैक्टोरियल आ जाएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू सॉन एन टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस, थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो माइनस फोर आ रहा है, मीन्स माइनस हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमें फोर की सिमेट्री बनानी है यानी थ्री से एक ज़्यादा। सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो माइनस थ्री आ रहा है यानी सेकंड से एक ज़्यादा आ रहा है, तो एनथ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन प्लस वन, एन से एक ज़्यादा, एंड इंटू ए की पावर एन, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव में ए स्क्वायर फर्स्ट में ए की पावर वन, थ्री किया तो ए रेज टू पावर थ्री, एनथ करेंगे तो ए रेज टू पावर एन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू एन फैक्टोरियल, इसको आप पॉजिटिव बना लीजिए, मीन्स हम इसको ले आएंगे
ए प्लस ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन, डेनोमिनेटर में इसको शिफ्ट कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। देन ये आपके पास दे रखा है एनथ डेरिवेटिव, ये एज इट इज़ आपको फॉर्मूलाज भी याद करने हैं एनथ डेरिवेटिव के और इनका डेरिवेशन भी जो आपको आना चाहिए। फोर्थ दे रखा है टू फाइंड द एनथ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। वाई वन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, दिस इज ए एक्स प्लस बी, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है एंड बीस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए, ठीक है। लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव वन अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड बेस का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव ए आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस वन। सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं माइनस वन पावर, पहले हम ये वाला फैक्टर ले रहे हैं, माइनस वन पावर आगे आ जाएगी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस टू इंटू ए ऑलरेडी था, एक ए और आ जाएगा ए स्क्वायर। y क्यूब करेंगे माइनस वन माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस थ्री इंटू ए क्यूब, ओके। वाई फोर देख लेते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस फोर इंटू ए रेज टू पावर फोर, ठीक है। अप टू सॉन हमें चाहिए नेक्स्ट आपके पास y इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एक्स, ठीक है। इसका आपको अंदर डेरिवेटिव निकालना है। देन y1 वन इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ए रेज टू पावर एम एक्स, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाती है, ठीक है। देन इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, ये एक बार एज इट इज़ लॉग ऑफ a, जो भी आपके पास बेस गिवन होगा यानी जो भी कॉन्स्टेंट गिवन होगा वो लॉगरिथम में आ जाएगा एंड पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो m आ जाएगा, ठीक है। एम एक्स का डेरिवेटिव वन। वाई टू करते हैं ए रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज़, लॉग ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी है एंड जब हम दूसरा डेरिवेटिव कर रहे हैं देन इसका फिर से लॉग ऑफ ए यानी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एम पहले से ही है और फिर से पावर का करेंगे एम स्क्वायर। वाई थ्री करते हैं ए रेज टू पावर एम एक्स लॉग ऑफ ए क्यू इंटू एम क्यू, अप टू सॉन एनर डेरिवेटिव निकालेंगे देन ये आ जाएगा ए रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज, ठीक है। एंड लॉग ऑफ ए एनथ कर रहे हो एन इंटू एम रेज टू पावर एन, ठीक है। देन अगर यहाँ पे आपके पास गिवन होता वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एक्स, ठीक है, इसका आपको एनथ डेरिवेटिव निकालना है। दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वाई एनथ निकालेंगे देन e रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे a था a रेज टू पावर एम एक्स किया, यहाँ पे e है तो लॉग ऑफ e रेज टू पावर n इंटू एम रेज टू पावर n, और लॉग ऑफ e क्या होता है वन, देन e रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम रेज टू पावर n, दिस इज द एनथ डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर एम एक्स। पास है एनथ डेरिवेटिव निकाला हमने साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, हमें इसका एनथ डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड एंगल का डेरिवेटिव करेंगे इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें एन एथ डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव किया साइन का हमने कॉस में चेंज कर दिया बिकॉज साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, जब हम एन एथ करेंगे तो सिमिट्री बनाने के लिए हमारे पास साइन चाहिए, ओके। इसलिए आपको कॉस को वापस साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, यहाँ से हम इसको लिख देंगे साइन पाई बाय टू प्लस थीटा मीन्स कंप्लीट एंगल है ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यहाँ से हम फिर से सेकंड डेरिवेटिव करते हैं वाई टू इज साइन का डेरिवेटिव जगह कॉस
पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ए हमारे पास यहाँ से एक हम एंगल का ले आते हैं, फिर से कॉस आ गया, फिर से कॉस को चेंज कीजिए, कॉस को क्या लिखेंगे यहाँ से साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस हॉल एंगल, कंप्लीट एंगल मीन्स पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ टू पाई बाय टू, टू से टू कैंसिल नहीं करना, यहाँ पे सिमेट्री बनेगी एंगल की इसलिए हमें इसको एज इट इज रखना है इंटू ए स्क्वायर। सॉरी, जैसे आप थर्ड डेरिवेटिव करते हैं देन कॉस ऑफ टू इंटू पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जब हम एंगल का करेंगे तो ए आ जाएगा और ए स्क्वायर पहले से ही है हमारे पास, देन इसको क्या लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस कंप्लीट एंगल टू इंटू पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय टू एंड टू पाई बाय टू, जो थ्री पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं nth डेरिवेटिव, nth क्या बनेगा वाई एन इज इक्वल टू, देखिए थर्ड डेरिवेटिव किया देन साइन तो सब में चल रहा है, साइन ऑफ थर्ड डेरिवेटिव किया तो थ्री इंटू पाई बाय टू, सेकेंड डेरिवेटिव किया तो टू इंटू पाई बाय टू आ रहा है। ओके, nth करेंगे एन इंटू पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, जो भी एंगल हमें गिवन था स्टार्टिंग में ए एक्स प्लस बी इंटू ए रेज टू पावर, यहाँ पे क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव में क्यूब आ रहा है तो nth में आ जाएगा ए रेज टू पावर एन। ठीक है, एज इट इज़ हमें कॉस का करना है इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, हमें इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, देन पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब साइन को आपको कॉस में कन्वर्ट करना है और ऐसे कन्वर्ट करना है कि माइनस भी मर्ज हो जाए। ओके, अब देखिए कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, पाई बाय टू प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, पाई बाय टू पे चेंज तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, समझ गए, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू है तो चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज होता है एंड क्योंकि थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस में जो वो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, मीन्स माइनस साइन थीटा को हम ले सकते हैं कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, देन इसको मैंने लिख दिया कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा ए एक्स प्लस बी दे रखा। ओके, वाई टू निकालते हैं माइनस साइन पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन थीटा को फिर से क्या लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा मीन्स कंप्लीट एंगल प्लस पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू कॉस ऑफ टू पाई बाय टू, इसको सॉल्व नहीं करना है कहीं आप इसको काट दो, टू से टू कैंसिल नहीं करना हमें, एज इट इज़ रखना है। वाई थ्री करते हैं, कॉस का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन, ओ ए बोल गए हम, वाई वन किया हमने इंटू ए भी आएगा एंगल का डेरिवेटिव। ओके, फिर वाई टू करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस इंटू ए स्क्वायर जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है। ओके, एंड क्यूब करते हैं तो एक क्यूब आ जाएगा, अच्छा जी हम यहाँ पे थे टू पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब, साइन को फिर से कॉस में कन्वर्ट कीजिए, कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस कंप्लीट एंगल पाई बाय टू एंड टू पाई बाय टू इज थ्री पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। अप टू सॉन हम निकालेंगे इसका nth डेरिवेटिव देन कॉस ऑफ n इंटू पाई बाय टू, थर्ड डेरिवेटिव किया तो थ्री इंटू पाई बाय टू आ रहे हैं ए एक्स प्लस बी इंटू ए रेज टू पावर n, दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला जो कंपेयर करके बताने होंगे, जैसे अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है अगर y इज इक्वल टू
कॉस ऑफ 5x दे दिया जाए और इसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी से। मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5x का मल्टीपल, एंड b यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि b हमें यहाँ पे कहीं अलग से चाहिए ही नहीं, ये हमारा एंगल होता है जो एंगल हमें गिवन होता है। जैसे यहाँ पे 5x गिवन है तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। अगर मैं इसी का nth डेरिवेटिव निकालूं देन वाई एन इज इक्वल टू किसका निकाल रहे हैं, वाई इक्वल टू कॉस 5x का। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5x का मल्टीपल, x का मल्टीपल यहाँ पे a है, यहाँ पे 5 है, ओके। देन वाई एन आ जाएगा कॉस ऑफ एन पाई बाय टू एन इंटू पाई बाय टू प्लस यहाँ पे एंगल, एंगल कितना है 5x इंटू ए रेज टू पावर, a की वैल्यू 5 इंटू 5 रेज टू पावर है। दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ cos इक्वल टू 5 y इक्वल टू cos ऑफ 5x। अब हमें गिवन है कि nth डेरिवेटिव निकालिए y इक्वल टू e रेज टू पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। हमें इसका nth डेरिवेटिव चाहिए, सबसे पहले आप फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे u इंटू v अप्लाई करेंगे, e रेज टू पावर ax एज इट इज, साइन का हो जाएगा cos ऑफ bx प्लस सी, प्लस e रेज टू पावर ax का करेंगे तो a इंटू e रेज टू पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी एज इट इज, ठीक है। e रेज टू पावर ax कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ bx प्लस सी प्लस यहाँ से जब आप साइन का करेंगे तो बी भी आएगा भाई कांस्टेंट इनटू बी, जब हम एंगल का करेंगे तो बी भी कांस्टेंट आएगा, बी को हम इधर लिख लेते हैं एंड ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। नाउ पुट ए इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड जब हम डिवाइड करेंगे इसको देन बी बाय ए इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से हम आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ इनपुट करते हैं यहाँ पे वाई वन की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए रेज टू पावर ए एक्स, ए की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे, इसको आप आगे लिख लीजिए, ए लिया हमने आर कॉस थीटा एंड इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये फैक्टर मैं इधर लिख रही हूँ, बी को हमने लिया है आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आर दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, एंड साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी, आर कॉमन ले लेते हैं, ए रेज टू पावर ए एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी मीन्स थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी वाई वन की। अब हम करते हैं वाई टू यानी सेकंड डेरिवेटिव, आर तो कांस्टेंट है, यहाँ से हम इसका और उसका डेरिवेटिव करेंगे, यू इंटू बी अप्लाई करेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या a आ जाएगा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज, एंड साइन का डेरिवेटिव करते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड एंगल का करेंगे थीटा ज़ीरो एक्स का वन, यहाँ से b मिल जाएगा और c का ज़ीरो, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस, ओके। फिर से हमें वही वैल्यूज पुट करनी है, ए को लेना है आर कॉस थीटा, बी को लेना है आर साइन थीटा, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन ले लीजिए, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आ गया, ए को रखा हमने आर कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कॉमन आ चुका है, प्लस बी को रखा हमने आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। आर फिर से कॉमन ले लेते हैं, आर यहाँ से एंड यहाँ से कॉमन आ रहा है, बाहर आके हो जाएगा आर स्क्वायर, एंड ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, आर स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस दिस एंगल दिस एंड दिस, थीटा एंड थीटा ऐड करेंगे तो बी एक्स प्लस सी इधर लिख लेती हूँ, एंड थीटा प्लस थीटा इज टू थीटा,
ठीक है, ये बन जाएगा हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ऐसे आप थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, वाई थ्री इज इक्वल टू आर क्यू ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थ्री थीटा। ठीक है, अब तो सॉन चलते जाएंगे हम, इसका निकालते हैं nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू आर रेस टू पावर एन, nth करेंगे तो r की पावर n, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं तो r क्यूब आ रहा है। ओके, e रेस टू पावर ए एक्स एज इट इज एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू थीटा। क्लियर, यहाँ पे n इंटू थीटा आएगा बिकॉज बी एक्स प्लस सी तो एज इट इज चल रहा है, यही हमारा साइन का एंगल था स्टार्टिंग में। देन बी एक्स प्लस सी थ्री थीटा, सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो टू थीटा आ रहा है, nth करेंगे तो n इंटू थीटा आ जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रखते हैं दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स एज एज इट इज एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थीटा इज अ टेन इनवर्स बी बाई ए, टेन इनवर्स बी बाई ए, दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से आप एज इट इज हम फॉलो कर सकते हैं ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है y इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, इसका भी डेरिवेशन एज इट इज रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है इसी तरह से कॉस के लिए करेंगे हम, माइनस साइन इंटू कॉस आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी एज इट इज चल रहा है आपको। एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू एन इंटू प्लस एन इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए एन ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस। देन दीज आर सम स्टैंडर्ड एन ए डेरिवेटिवस, इनके आपको डेरिवेशन भी अच्छे से करना है एंड इसके जो फॉर्मूलाज हैं ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं, बिकॉज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इनको क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।